हेलो दोस्तों, आज कोरोना वायरस एक प्रकोप की तरह बन चुका है जिससे सारा विश्व त्रस्त है। अभी तक इसने 7 लाख से अधिक लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है और इसने 35,000 से अधिक लोगों की जान भी ले ली है, लेकिन डॉक्टरों और साइंटिस्टों के पास अभी तक इसका कोई उचित इलाज नहीं है। कुछ दवाएं हैं जो थोड़ा बहुत मदद कर रही हैं, जैसे कि मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और इसके साथ एजिथ्रोमाइसिन, लेकिन ये इसका संपूर्ण इलाज या कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे में एक उम्मीद की किरण आई है हमारे सुपर कंप्यूटर से। तो क्या है ये कैसे हमारे लिए उम्मीद की किरण है और कैसे ये कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकता है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19, ये आज सभी सरकारों के लिए सरदर्द बन चुका है। सभी सरकारें त्रस्त हैं। अमेरिका में इसने 1.5 लाख से अधिक लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है। इटली में 10,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। स्पेन में 6,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है और सभी देशों के वैज्ञानिक अपने एड़ी चोटी लगा दी हैं इसके वैक्सीन या फिर ट्रीटमेंट के खोज के। और कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट या फिर वैक्सीन के लिए अब सुपर कंप्यूटर से मदद लिया जा रहा है। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर जिसका निर्माण ऐसे ही जटिल प्रॉब्लम या कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हुआ है जिसे कोई इंसान नहीं कर सकता है, और इस बार दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए वैज्ञानिकों की मदद की। IBM का सुपर कंप्यूटर समिट, जो दुनिया का वन ऑफ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है और ब्रेन ऑफ AI से कम्प्लीटली इक्विपाइड है, उसने हजारों सिमुलेशन को रन करके एनालाइज किया, मतलब एक वर्चुअल मॉडल क्रिएट कर कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए कौन कौन से ड्रग्स इस वायरस को हॉट सेल को इन्फेक्ट करने से रोका जा सके, इन सभी को एक सिमुलेशन बना के एक वर्चुअल रियलिटी में टेस्ट किया और इस सुपर कंप्यूटर को इस मिशन में सक्सेस भी मिला। उसने ऐसे 77 कंपाउंड की खोज की है जिससे कोरोना वायरस स्प्रेड को रोका जा सकता है और इन पे रिसर्च करके एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सुपर कंप्यूटर कोरोना से लड़ने में हमारी मदद कैसे कर रहा है और ये कैसे कंपाउंड को खोज रहा है। तो जान लीजिए, वायरस जब किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो एक जेनेटिक मटेरियल के स्पाइक को इंजेक्ट करता है और समिट का जॉब है उस कंपाउंड को ढूंढना और पहचानना जो स्पाइक को बाइंड कर सके और फर्दर स्प्रेड को यानी फर्दर फैलाव को स्टॉप कर सके। ऑक रिज लैब के रिसर्चर माइकल स्मिथ ने इस सुपर कंप्यूटर के मदद से कोरोना वायरस के स्पाइक का मॉडल बनाया। उन्होंने इसका सिमुलेशन तैयार किया और ये कैसे एटम और पार्टिकल के वायरल प्रोटीन में डिफरेंट कंपाउंड से रिएक्ट करता है इस पे रिसर्च किया। दोस्तों, पहले थोड़ा समिट के बारे में जान लेते हैं। ये सुपर कंप्यूटर का निर्माण IBM ने US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए किया था, जो वर्ल्ड के जटिल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। जहाँ तक इसके पावर की बात है, 200 पेटाफ्लॉप्स, जिसका मतलब है इसकी काउंटिंग स्पीड 200 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड, यानी ये आपके लैपटॉप से भी लगभग 10 लाख गुना तेज है। और इसने इससे पहले भी काफ़ी बड़े काम किए हैं, जैसे अल्जाइमर के सेल्यूलर पैटर्न को पहचानना, ओपियोड एडिक्शन का सॉल्यूशन और इवन क्लाइमेट सिमुलेशन से एक्सट्रीम वेदर को प्रेडिक्ट करना, ये सब इसने किया है टेनिस में स्थित ऑक रिज नेशनल लेबोरेटरी में। इस सुपर कंप्यूटर की मदद से 8,000 कंपाउंड के सिमुलेशन को रन किया गया जो कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन से बाइंड कर सकते हैं और कोरोना वायरस स्प्रेड को लिमिट कर सकते हैं, और इस काम में भी इस सुपर कंप्यूटर को सक्सेस मिला। इसने ऐसे 77 कंपाउंड को ढूंढ निकाला जो कोरोना वायरस के हॉट सेल को इन्फेक्ट करने से रोक सकते हैं और उनके एबिलिटी का अनुसार उनको रैंक भी दिया है इसने। अब समिट के मदद से सिमुलेशन को और रन किया जाएगा जिससे
ज़्यादा सटीक कंपाउंड डिस्क्रिप्शन सामने आएगा जो कोविड 19 के स्प्रेड को रोक सकेगा और फिर उस कंपाउंड को मेडिसिन या वैक्सीन के रूप में बनाया जाएगा, फिर ये क्लिनिकल ट्रायल के लिए जाएगा। और दोस्तों, अगर इस सुपर कंप्यूटर के मदद से हम किसी वैक्सीन या मेडिसिन को बनाने में सफल हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि इस वैश्विक महामारी ने अभी तक 7 लाख लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है और 35,000 से अधिक लोगों को मार चुका है। दोस्तों, एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा कि प्लीज़, जो लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में अभी 21 दिनों का, उसको भरपूर तरीके से पालन करें। उसमें आप घर से बाहर ना निकलें और अपने फैमिली और दोस्तों को भी ये बताएं कि घर से बाहर निकलना उनके और उनके फैमिली के लिए, खासकर जो एल्डरली पीपल हैं या वो लोग जिनके पास जिनको किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम है, उनके लिए और भी ज़्यादा ये नुकसान। दोस्तों, अगर इस 21 दिन के लॉकडाउन का हमने सही से पालन कर लिया तो हमारा कंडीशन USA या इटली जैसा नहीं होगा, लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो डेली न्यूज़ तो आप देखते ही हैं। दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि घर पर रहें, वर्क फ्रॉम होम करें, यूट्यूब चलाएं, TV देखें, किसी तरह की भी ज़रूरत हो या काफ़ी इमरजेंसी हो तभी बाहर निकलें, अदरवाइज बाहर निकलने से बचें, सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी।